और गाइस जब आप इसको फ्लाई करेंगे तो गाइस सभी लोग आपकी ही काइट को देखेंगे, क्योंकि ऐसी देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है। तो फ्रेंड्स अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो गाइस इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हम काइट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। इसीलिए गाइस आज मैं दो काइट आपको दिखाने वाला हूँ, और गाइस उनको हम कट कर देंगे बीच में से एंड उसको डिफरेंट टाइप की काइट बनाएंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं हमारी जो काइट से काइट फ्लाई करते हैं या फिर नहीं। तो गाइस दिस इज अ काइट। तो गाइस आप लोग काइट देख सकते हैं, गाइस ये टू कलर्स में है। तो गाइस सिंपली मैं इसको देखिए इस तरफ से पलट देता हूँ, और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये काइट है, मीडियम साइज की काइट है हमारी। तो गाइस यहाँ पर सिंपली देखिए इसके बीच में, यहाँ पर देखिए जहाँ से दो कलर्स में यहाँ पर धागा लगा हुआ है। तो गाइस हमें सिंपली यहाँ पर देखिए मैं एक इंच छोड़ करके यहाँ से इसको कट करूँगा। तो गाइस हम इसको इस तरह से देखिए कट करेंगे, और इसके बाद गाइस इसी तरह से सेम मैं दूसरी साइड भी इसको कट कर लूँगा। और गाइस एक बार कट हो जाने के बाद हम इसको गाइस यहाँ पर देखिए इसको तोड़ करके और इसको हटा देंगे नीचे वाला पार्ट, और फिर गाइस हम इस पर कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे। तो गाइस मैं इसको देखिए इस तरह से कट करूँगा। तो गाइस हमारी एक काइट जो है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं अभी दूसरी वाली काइट को कट करता हूँ। तो गाइस इसको भी मैंने सेम उसी तरह से कट किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। बस गाइस सिंपली हम इसको जो इसकी जो टेल होती है वहाँ से मैंने जो कि इसको इस तरह से कट किया है, और यहाँ पर मैं सिंपली ये देखिए ये बीच वाला पार्ट इसका पूरा हटा दे रहा हूँ। तो गाइस अभी हमारी ये वाली काइट भी रेडी है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस मैं इसमें फटाफट से इसमें धागा लगा देता हूँ। तो गाइस मैं इसमें धागा लगा दूंगा ताकि हम इसको अच्छे से फ्लाई कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से देखिए नाप लेंगे, और मैं ऊपर और दो नीचे दो दो छेद कर दूंगा। तो गाइस हमारा जो ऊपर वाला छेद है वो गाइस हमारी जो बीच वाली डंडी लगी हुई है, इस बीच वाली डंडी को और हमारी जो मुड़ी हुई डंडी है इन दोनों को गाइस मैं एक साथ बांध लूंगा। तो गाइस मैंने इसमें देखिए धागा डाल दिया है अच्छे से, और मैं इसको गाइस अच्छे से बांध लेता हूँ। तो गाइस एक बार इसके बंद जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें जो पीछे दो छेद किए हैं ये देखिए यहाँ पर, मैं इसको भी इसमें अच्छे से बांध लूंगा। और गाइस इसके बाद हम सिंपली इसके ऊपर एक छोटा सा गांठ लगा देंगे और वहां पर थोड़ा जगह छोड़ देंगे ताकि हम इसको अच्छे से फ्लाई कर सकें। तो गाइस अभी हमारी काइट जो है रेडी है, तो चलिए इसको फ्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी जो दोनों काइट्स है गाइस वो रेडी है फ्लाई करने के लिए, और गाइस हमारा भाई यहाँ पर देखिए रेडी है इनको फ्लाई कराने के लिए। तो गाइस अभी ये इनको उड़ाने वाला है, तो चलिए हम सबसे पहले इस वाली अपनी काइट को उड़ा करके देखते हैं। तो गाइस अभी ये देखिए फ्लाई करना स्टार्ट हो चुकी है, और गाइस ये वाली काइट जो हमारी काफी अच्छे तरीके से फ्लाई कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर हवा भी काफी ज्यादा तेज नहीं है, फिर भी गाइस ये हमारी काइट बहुत अच्छे से फ्लाई कर रही है, जब गाइस ये नीचे से पूरी तरह से आधी है। और गाइस ये बिल्कुल ही अलग लग रही है देखने में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी जो काइट है गाइस पूरी तरह से फ्लाई हो रही है अच्छे से। और गाइस जब आप इसको फ्लाई करेंगे तो गाइस सभी लोग आपकी ही काइट को देखेंगे, क्योंकि ऐसे देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है, क्योंकि ऐसे बीच में से पूरी आधी है काइट, फिर भी काफी इस तरीके से ये गाइस फ्लाई कर रही है। तो गाइस इस चीज को आप भी एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स अभी अपनी दूसरी वाली काइट को भी उड़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये वाली काइट भी हमारी धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट हो चुकी है, तक उड़ रही है आप देख सकते हैं। तो गाइस ये काइट भी हमारी अच्छे से फ्लाई कर रही है, बट गाइस इसको थोड़ा उड़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो देख सकते हैं आप लोग पेड़ में भी यहाँ पर फंस रही है हमारी काइट। वाह गाइस ये देखिए, क्यों गाइस इसका जो गाइस डंडी है बीच की वो गाइस पूरे नीचे तक लगी हुई है, इसी वजह से ये देखिए नीचे आ जा रही है। बट गाइस ये फ्लाई कर रही है अच्छे से।